नीतू कपूर और आलिया भट्ट के बीच एक बार फिर से अनबन देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीतू कपूर और आलिया भट्ट को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। पेपर अजीज ने जब आलिया भट्ट के लिए नीतू कपूर यानी कि आलिया की सास से पूछा, तब नीतू कपूर ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि लगता है नीतू कपूर आलिया भट्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस और कपूर खानदान की बहू आलिया भट्ट ने प्रेगनेंसी की खबर देकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि फैंस को भी खुश कर दिया है। हालांकि आलिया प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपने काम में व्यस्त है और फिलहाल वो लंदन में अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कर रही है। इसी बीच आलिया की सास और एक्ट्रेस नीतू कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनसे पेपराजीज ने उनकी बहू को लेकर सवाल किए। नीतू कपूर ने पिछले कई महीनों पहले ही टीवी के डांस रियलिटी शो में बतौर जज काम किया है। अब वो अपने काम से ब्रेक लेकर लंदन के लिए रवाना हुई है। एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो अपनी बहू आलिया से मिलने जा रही है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी बेटी रिद्धिमा से मिलने लंदन जा रही हैं। वेल, आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने तमाम तरीके की खबरें बनाना शुरू कर दिया है कि आलिया भट्ट को लेकर नीतू कपूर के मन में किसी भी तरीके का प्यार नहीं है। इतना ही नहीं, बीते दिनों आलिया भट्ट को लेकर नीतू कपूर ने कहा था कि मुझे तो दादी बनने की खबर भी पेपराजी से मिल रही है, मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मैं दादी बनने वाली हूँ, ना ही परिवार से मुझे ऐसी कोई भी अभी तक खबर मिली है। जो है आपको बता दें कि एक वीडियो के दौरान नीतू कपूर ये बड़ा बयान देती नजर आई थी कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मैं दादी बनने वाली हूँ, लेकिन एक सिर्फ मुझे ही नहीं पता। इस बात को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। तब लोगों ने कहा था कि लगता है नीतू कपूर और आलिया भट्ट के बीच का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, इसी वजह से तो नीतू कपूर को आलिया भट्ट ने अभी तक नहीं बताया कि वो दादी बनने वाली हैं। वेल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।